तो हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। और आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। आज है मंडे, दकार है सुबह सुबह। तो अभी मैं उठते लगा हुआ, बताऊँ किस काम में, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये इसमें मैं क्लीन कर रहा हूँ पानी के, चिड़िया के लिए करके ना मैं भर के मैं क्लीन कर रहा हूँ। क्योंकि इनमें वो आ जाती है ग्रीन कलर की काई। तो ये तो हो गया साफ, एक बाहर और रखा है मैंने, उसको क्लीन करना है। तो बस मैं दो करता हूँ, एक तो घर पे रखा हुआ है, एक बाहर रखा है। तो इसमें कुत्ते भी पानी पी लेते हैं और चिड़िया कबूतर सब भी बाहर, दाना भी यहीं डालते दादी। तो मेरा काम कंप्लीट। तो ज़्यादा ज़्यादा दिमाग की 20 मिनट लगती होगी है दिमाग की, और साफ करने में, डालने में, पानी डालने में ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट। आप भी ट्राई करो, अच्छा काम है, गलत तो है नहीं, अच्छा ही होगा इससे कुछ किसी आपका नहीं, किसी दूसरे का अच्छा होगा, लेकिन अच्छा तो होगा। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ चाचा जी को लेने, क्या है कि वो बस का काम करवाना है उनको, तो यहाँ से वो बस लेके जाएंगे। तो उनको लेने जा रहा हूँ, कॉल आया अभी उनका मेरे पास कि तू मेरे को लेके चला जा, फिर मैं वहाँ से बस ले जाऊँगा। और आज मेरे भी जीजा जी भी आएंगे, उनके साथ में काम में कहीं जाना है हमें। अभी तो जा रहा हूँ मैं उनको लेने चाचा जी को। धूप हो रही है इसलिए थोड़ा फेस को कवर कर लिया, क्योंकि कल ही बोला था ब्लैक हो गया, फेस ब्लैक हो गया। जाता हूँ अभी, अभी मैं जस्ट आया हूँ चाचा जी को लेके, क्योंकि आपको पता है ना 13 तारीख को गाड़ी जा रही है लंबी टूर पे, मतलब केदारनाथ साइड। तो उसका काम हो रहा है पूरा प्रॉपर, ये वाली जाएगी तो उनको लेके आया हूँ जस्ट। ये बस तो भाबा से फुर्सत नहीं है अभी, जस्ट ना क्या हूँ मैं, जीजा जी आ गए, जीजू और मैं जा रहे हैं गलता जी, क्योंकि गलता जी जाना है आज उनके घर पे पूजा है। तो वहाँ से गलता जी का मतलब कुंड है वहाँ पे, तो वहाँ से पानी लेके आना है पूजा के लिए। तो अभी मैं जल्दी से रेडी हो गया, जीजा जी आ गए, बाल बाल बना के निकलते हैं। देखा होगा आपने वैसे मेरे ब्लॉग्स में गलता जी में आज तक नहीं गया, तो आज देख लेना गलता जी भी, यहीं जयपुर में ही है हमारे। फ्रेंड निकल गया हूँ मैं और जीजा जी गलता जी के लिए जा रहे हैं अभी, कपड़े भी ले लिए मैंने। तो मैं तो पहले नहाने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर मैं सोचा था नहा लेंगे जाके वहीं पर एक बार, और अच्छी जगह जा रहे हैं कुंडों में, ट्राई तो करें मतलब अपने पाप धोने के। इधर रुको गाइस, अभी पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। और जो मैंने चैलेंज लिया था ना उसके लिए आज का डे मेरे को लग रहा है वेस्ट होगा, उन बच्चों का चैलेंज दे तो लिया, लेकिन वो सोचेंगे भैया बाहर तो निकलते नहीं है, कहाँ पकड़ेंगे हम। 1 किलो पहुँच गए हम गलता जी, देखो सामने से लोग तो सीधा पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। निकलो निकलो, और ये है गलता जी यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे वो होती है ना हिल वाली, ऐसी वो कर रहे हैं हम चढ़ाई आराम से। देखो रूट ही डेंजर सा लग रहा है तुम्हें, जैसे कि मैं बहुत टाइम पहले आया था, मेरे को खुद को रास्ता याद नहीं है वाला, बस हम मैप के हिसाब से आए थे कि मैप के हिसाब से ये वाला रास्ता था। देख लो देख लो, ऑफ रोडिंग हिल वाली। पहुंच गए हम गलता जी, मेरे को थोड़ा रास्ता अटपटा लगा, फिर मैंने आप पूछा तो बोला हाँ ये एक ही रास्ता है। तो ये है गलता जी, अंदर आके दिखाऊंगा आप, पानी का कुंड है, नहाऊंगा, गर्मी हो रही है भयंकर, पसीना पसीना हो गया, पानी पानी हो गया। तो अब जा रहे हैं कुंड के अंदर जाने की इच्छा है अभी, तो ये क्या छोटा कुंड है ये वाला, इन कुंडों के नाम है लेकिन मेरे को नहीं पता। बंदरों के लिए पहले से यहाँ अकेले हैं, वैसे हम भी साथ में लेके आए लेकिन बंदर दिख रहे नहीं है। और कुंड ये रहा, दिखा रहा हूँ आपको 2 ही सेकंड, ये देख लें। तो फ्रेंड तो मैं पिछले वाले रास्ते से, जब पता लगा मेन रास्ता तो वो है फ्रेंड वाले, तो उधर से आगे से हम पिछले वाले रास्ते से आए। भाई जी क्या एंजॉय किया, 2 डुबकी लगाए लगे, मेरे को नहाना है तो मैं जाऊंगा बढ़िया तरीके से जाऊंगा। नहा तो लिया हम, अब जा रहे हैं वापस कार के पास, वहां से लेके आने हैं वो केले लेके आए थे वो, और साथ में वो बोतल लेंगे जिसमें पानी लेना है यहाँ का साफ। तोड़ दो तोड़ दो। हाथ पे लाऊंगा उसको, हाथ पे बटका पड़ लगे ना।
चल गए कि तो गाइस फर्स्ट टाइम मैंने इतने पास से किसी को ये केला खिलाया है बंदर को इतने पास से फर्स्ट टाइम देख लो लगा हुआ है अभी खाने के देखो छोटा सा बच्चा है छोटा सा। अब मैं जा रहा हूँ वापस घर पे हो गए पानी की बोतल लाया आप जी चलो तो फ्रेंड हमारा थर्ड राउंड था अभी बोतल फिल करके लेके जानी है यहाँ से इधर हो रहा है खुले आम लूटपाट खुले आम पता है ये टिकट है गलत जगह जो जयपुर वाले सब पता ना कि यहाँ पे कुछ गलत है सही है ये टिकट ले रहे हैं गलत जगह ये क्या टिकट है कैमरे की टिकट लगा रखी है फालतू के और क्या बैक साइड में थोड़ी दादागिरी लगा रखी है यहाँ का कोई सीन है नहीं वैसे गलत जगह यहाँ लगा रखा ये टिकट का है कैमरे का बेचारे कोई यहाँ से आते हैं जो लोकल है वो क्यों टिकट देंगे फालतू का दादागिरी लगा रखी है दादागिरी में काम चल रहा है सर यहाँ पे भी आके पाप ही कर रहे हैं ये लोग सच्ची फिर मैं पूछ लिया था कि लास्ट में कि सच में लग रहा है क्या टिकट उस साइड भी लग रहा है क्या तो बोलते हैं नहीं उस साइड लग रहा है फिर नहाने वाली लेडीज आ रखे हैं वो उनका क्या हो रहा है वो बच्चे वगैरह बोला नहीं वो लेडीज के लिए तो फ्री है बोला अच्छा जेंट्स के लिए लग रहा है बोला फिर मैंने बोल दिया जो कैमरे होते हैं ना बड़े उनके आप चार्जेस ले सकते हो लेकिन ऐसे फोन हो गया थोड़ी होगा फालतू एंट रहा था मेरे को बोलता है कि टिकट दिखा देते रहा बोला मेरे पास टिकट है इनमें गिरा के आ गया फिर लास्ट में टिकट और दे के आ गया मैं हमारा मैंगो शेक तो देखो इन्होंने जूते डाल दिए 100 किलो हो गए तो बिना चप्पल ही हो गए हम फ्री जूस वूस पी के भी 5 मिनट भी नहीं लगी हूँ जूस पीने में इतने में तो गाड़ी बिल्कुल गर्म मैं सोचता हूँ बाइक से स्कूटी से बाहर निकल जाए तो वो होता है ना भुट्टे को सेक देते हैं वो हालत हो जाए हमारी पहुँच गया हूँ मैं घर पे और आज मेरे से बिगेस्ट गलती हुई है पता ही क्या है मैं टाइसन को खाना रखना भूल गया आज क्योंकि मम्मी पापा तो गए हैं काम से और मैं खाना रखना भूल गया उसको अब खाना रखूंगा टाइम देखो अब भी फ्री हुआ हूँ मैं जीजाजी अभी जस्ट गए हैं तो मैं उनके साथ ही बैठा था देर से और अभी फ्री हुआ हूँ टाइम देख लो आप 7 बजने वाले हैं सॉरी गाइस और आज का व्लॉग भी नहीं आया मतलब जो कल वाला व्लॉग था अभी डाल नहीं पाया क्योंकि मैं एडिट ही नहीं करा जीजाजी के साथ था फिर एडिट तो हो गया मेरे से फिर मैंने अपलोड पर भी लगा दिया फिर मैं उनके साथ बैठा था पता नहीं चला अपलोड नहीं हुआ 33% पे रुका हुआ है अभी देखा है तो कल मॉर्निंग में जल्दी आ जाएगा आज का व्लॉग मतलब समथिंग 7-7:30 बजे व्लॉग अपलोड कर दूंगा मैं मॉर्निंग में अभी डाल के कोई मतलब नहीं वैसे कोई नहीं देखेगा इसे जब कल मॉर्निंग में 7:30 बजे डाल देंगे फिर परसों जो आज वाला व्लॉग है ना वो परसों आएगा तो एक दिन का गैप लग गया बीच में तो वैसे जितने देखते हैं वो एक दिन का वेट तो कर ही सकते हैं इतना तो मैं थोड़ी देर जा रहा हूँ पार्क तो फ्रेंड मैं अभी आया था यहाँ दूध लेने और मेरे को मिला प्रतीक तो मैंने बताया था ना कि प्रतीक को मेरे को सब कुछ बताना था कि ये व्लॉग के अंदर इसका भी नाम है लेकिन आज मैं व्लॉग नहीं डाल पाया सही टाइम में मेरे को पति मिल गया उसको बताना था और ये मैं जा रहा हूँ दूध लेके तो इनको चैलेंज का बता दिया मैंने मतलब प्रतीक को आज से प्रतीक भी ऐड होना मेरी तरफ से तो क्योंकि मेरे को बुरा लग रहा था क्योंकि आज मैंने व्लॉग नहीं डाला इसलिए थोड़ा बुरा लग रहा था इसका तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं डाला अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मैं जल्दी से दूध देके पार्क जाऊंगा कितना होता है जल्दी हेलो चलते हैं अब अंश बता टेंशन की बात अंश भैया मैं जा रहा हूँ पार्क ये सब मेरे को मिल गए मेरे को लगा था आज का दिन उनका वेस्ट होगा लेकिन मैं भी मेरी वजह से नहीं हुआ वेस्ट इनका तो जा रहा हूँ मैं मेरे को लगा थोड़ा अजीब क्योंकि मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसा जो मैं नहीं चाहता आज मैं सुबह से था गलता जी अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर पार्क हेलो तो पार्क चलते हैं हेलो आज पैसे आज भी नहीं पैसे कल भी कुल्फी नहीं खाई आज भी कुल्फी नहीं खा पाऊंगा कुछ खाता है क्या चलते हैं पार्क मार देते हो आप तो टाइसन को पार्क चलते हैं पार्क बेचारे को चलो पार्क और आज मेरे साथ अंश भी है आज अंश भी है अंश तेरे पेपर हो गए क्या अंश नहीं हुए पेपर हो गए तेरे नहीं हुए नाइंथ के हो गए ना कल भी कल आएगा अरे सुनो ना सुनो ना हो गया इधर देखो तो सही फ्रेंड समझ में ही नहीं आ रहा आज तो इनको साथ साथ लेके डोल रहा हूँ मतलब मैं नहीं लेके डोल रहा वो सब पीछे पीछे आ रहे थे थोड़ा अजीब तो मेरे को लग रहा था वैसे भी अब जा रहा हूँ थोड़ी देर पार्क
बट उनको मौका मिल रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप कल तो एक ही था आज दो थे। इग्नोर कर रहा हूँ मैं, कब तक इग्नोर कर पाता हूँ, एक पूरा फुल डे ऐसा है कि मैं थोड़ा बाहर रहूँ, इससे उनको मौका मिले अच्छे से प्रॉपर। वैसे मिल रहा है मेरे को, ऐसे गिल्ट में नहीं जा रहा कि यहाँ उनका डे वेस्ट हो रहा है। आज मैं मॉर्निंग से बिजी था, फिर भी मैंने टाइम निकाला, मैं बैठा था, वो दिख गए आ गए। प्रतीक को मैंने बता दिया आज व्लॉग की वजह से, क्योंकि मैं आज व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, आपको बताया रीज़न किस वजह से नहीं कर पाया था, बट वो मेरे को मिल गया तो मैंने उसको बता दिया आपसे। वो भी मैं उसको भी इग्नोर करना है मेरे को, वो ट्राई करेगा तब भी इग्नोर करना है मेरे को उसको। पार्क से आके खाना खाया जस्ट मैंने, कुछ नहीं किया। अभी मैं जा रहा हूँ, मॉर्निंग में उसको क्लीन किया था, उसमें सुबह पानी डालता था, अभी मैं आते टाइम देखा तो वो खाली पड़ा था, मतलब गाय वगैरह सभी पानी पीते हैं उसके अंदर, डॉग कुत्ते गाय सब उसमें पीते हैं। तो एक बाल्टी और डालने जा रहा हूँ उसके अंदर, पहले तो तीन तीन चार चार दिन से पानी डालता था उसमें, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो उनको पता लग गया यहाँ पानी है तो वहीं पानी पीते हैं, बट छोटा है, मैं सोचा हूँ वहाँ पे एक टंकी रखवा दूँ कि पानी का वो आता है ना, तो देखते हैं कल या परसों दो दिन के अंदर अंदर मैं वहाँ टंकी रखूँगा एक गायों के लिए, इनके लिए। तो उसमें क्या है, अभी मैंने कैमरा चेक किया, हमने कैमरा लगाया था साइड में, बताया था ना आपको, मतलब ब्लॉग्स में दिखाया कि जब कैमरा लगे तो एक कैमरा लगा हुआ भी दिखा दूँ आपको, तो वहाँ से देखा मैंने, देखा तो इसमें गाय भी पानी पीती है, कुत्ते भी पानी पीते हैं, चिड़िया कबूतर सभी पीते हैं। सुबह आपके सामने मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, अभी ये देखो खाली है, सुबह डालता आपके सामने और बिल्कुल खाली है। और वो देखो कैमरा रहा, वो लाइट जली, वो कैमरा लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो उससे चेक किया तो यहाँ से गाय कुत्ते सभी पानी पीते हैं इसमें, तो खाली हो गया, तो इसमें डाल रहा हूँ पानी। भाई जब किसी को होप हो जाती है ना कि हाँ अपन को यहाँ पानी मिलेगा, फिर वो आके निराशा होती है तो ज़्यादा पाप पड़ता है। या तो स्टार्ट करो मत, अगर स्टार्ट करो तो अच्छे प्रॉपर तरीके से निभाओ उसको, तो अब निभाना पड़ रहा है, निभाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लोग को एंड करते हैं, आज तो बस मॉर्निंग में गलता जी गए थे, अच्छा दिन निकला, कितने टाइम बाद में गए गलता जी, फिर आके वो चैलेंज का थोड़ा खराब, बाकी कुछ नहीं था, ऐसे ही निकाला पूरा डे। आज ब्लॉग नहीं डाल पाया इसलिए थोड़ा दिमाग खराब था, क्योंकि मेरे को आईडी नहीं था ब्लॉग नहीं अपलोड होगा, मैंने 4 बजे अपलोड पर लगा दिया, लेकिन जब 8:30 बजे तक तो अपलोड ही नहीं हुआ। जब मैंने बैक स्क्रीन हटाया था, मतलब अपलोड पर लगा के बैक स्क्रीन कर दी थी, तो बैक स्क्रीन होने के बाद वो अपलोड ही नहीं हुआ। जब मैंने देखा तब 15% था अपलोड लगाया था उस टाइम पे, फिर बैक स्क्रीन होने के बाद वो कोई 15% 8:30 बजे तक था, तो फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, फिर रात को मैंने अपलोड नहीं किया। अब कल मॉर्निंग में जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो मिलता है कल न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग कैसा लगा इसको लाइक करना, कमेंट करना, इस चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, सी यू सून, गुड।